हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज की वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में एक इमेज कराउजल बनाने वाले हैं। इस इमेज कराउजल में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं। हमने ये जो नीचे इमेजेस की डॉट्स डाल रखे हैं, हम इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। हर इमेज पे हमारे पास प्रेस का फंक्शन होता है, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी ऐसे ही अलग अलग अमेजिंग फीचर्स होते हैं हमारे पास इस इमेज कराउजल में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये अमेजिंग सा इमेज कराउजल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक React Native का टेम्पलेट प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है, जिसके अंदर मैंने एक एसेट्स फोल्डर बनाया है, उसमें इमेजेस फोल्डर है और उसके अंदर मैंने मल्टीपल इमेजेस डाल रखी हैं, जो कि हम अपने कैराउजल में ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक हमारे को पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है React Native इमेज स्लाइडर बॉक्स। इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। ये रहा इसका npm लिंक, यहाँ जाते हैं एंड इसको इंस्टॉल करते हैं। ये वाला लिंक यहां से कॉपी करेंगे एंड इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। यहां पे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। सो अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, कमांड रन करके npx react native run android। सो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने app.js में एंड यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। React Native फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, जिसमें कि सारी इमेजेस को हम इंपोर्ट करके रख लेंगे। सो इमेजेस एक एरे होगी जिसमें कि हमारी सारी इमेजेस इंपोर्ट हो रही होंगी। सो रिक्वायर कर लेंगे इमेजेस को एसेट्स में से इमेजेस एंड इसके अंदर image1.image.jpg है सबसे पहली। ऐसे ही और भी हैं, फटाफट से सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। अब एक काम करते हैं, जो हमारा इमेज कैराउजल था उसे इंपोर्ट करते हैं। सो हम स्लाइडर बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव इमेज स्लाइडर बॉक्स। यहाँ पे स्लाइडर बॉक्स को यूज करते हैं एंड इसके अंदर हमारे को एक इमेजेस का प्रॉप पास करना होता है, जिसमें हम अपनी इमेजेस पास करते हैं। सो हमने ये वाली जो इमेजेस की एरे बनाई थी, इसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये सारी इमेजेस आ रही हैं। चलिए थोड़ी सी इसमें और कस्टमाइजेशंस करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सो नीचे हमारी डॉट्स आ रही हैं, उनकी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक डॉट कलर के नाम से प्रॉप होता है, जिसमें कि हम अपनी एक्टिव डॉट का कलर पास करते हैं। हम कर देंगे रेड, तो ये एक्टिव जो कलर है हमारी डॉट का वो रेड हो गया। ऐसे ही एक हमारे पास होता है इनएक्टिव डॉट कलर। इस प्रॉप में जो इनएक्टिव डॉट्स हैं उनका कलर सेट कर सकते हैं, हम कर देंगे ब्लैक। सो जो इनएक्टिव डॉट्स है हमारी वो सारी ब्लैक हो जाएंगी। इनएक्टिव डॉट कलर सही है, इनएक्टिव की स्पेलिंग गलत हो गई, इनएक्टिव डॉट कलर। सो इनएक्टिव डॉट कलर ब्लैक हो गया। अब ऐसे ही हम चाहते हैं जो ये डॉट्स हैं इन्हें थोड़ा सा स्टाइल कर लें। सो इसके लिए प्रॉप होता है हमारे पास डॉट स्टाइल। हम इसमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे एंड जैसे अपनी बाकी स्टाइलिंग करते हैं ऐसे ही इसे भी करेंगे। सो हाइट दे देंगे 20, विड्थ कर देंगे इसकी 20 की एंड इसमें क्योंकि हमारे को ये राउंडेड फॉर्म में चाहिए, सो इनमें हमारे को बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50 का। सेव करते हैं एंड ये डॉट्स हमारी बड़ी हो गई। हम इमेजेस को स्क्रोल कर रहे हैं, अगर देखें सो एक लोडर आ रहा है जब तक कि ये इमेजेस को लोड कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है इमेज लोडिंग कलर। सो हम एक प्रॉप पास कर देंगे इमेज लोडिंग कलर। इसमें हम अपने लोडर का कलर पास कर सकते हैं, हम इसे कर देते हैं ब्लैक। अपने एप्लीकेशन को एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं चलिए एंड देखते हैं क्या होता है। सो ये रिबिल्ड हो गया बट यहाँ पे कलर अभी भी हमारा डिफॉल्ट ही आ रहा है, ऐसा क्यों? हमने कलर का ओ कैपिटल कर दिया। ठीक है, इसे सही करते हैं एंड अब देखें तो हमारा ये लोडर ब्लैक कलर में आ रहा है। तो ये हमने यहाँ से अपने इमेज के जो लोडर अपीयर हो रहा था उसके कलर को चेंज किया। अब हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जो हमारी इमेजेस हैं वो ऑटो प्ले हो। सो हम ऑटो प्ले को ट्रू कर देंगे एंड इस ऑटो प्ले का टाइमर सेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है ऑटो प्ले इंटरवल। हम यहाँ पे टाइम पास कर देंगे जितने टाइम में हम चाहते हैं हमारी इमेजेस चेंज हो। डिफॉल्ट ये 3 सेकेंड होता है, सो 3000 मिली सेकेंड यहाँ पे होता है। हम चाहते हैं एवरी 1 सेकेंड चेंज हो, सो हम यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड पास कर देंगे। एक बार अपने एप्लीकेशन को रीलोड कर लेंगे क्योंकि ऑटो स्क्रोल जो है हमारा एक बड़ा फीचर है, सो उसके लिए हमारे को इसे रीलोड करने की नीड है। इसमें ये काफी ज्यादा अंदर इसमें चेंजेस होते हैं।
सो हमारी इमेजेस जो है ऑटो स्क्रोल हो रही है विद इन एवरी 1 सेकेंड. अब अगर हम देखें सो जो हमारी इमेजेस थी वो लास्ट इमेज पे आकर रुक गई, यानी कि एक लूप नहीं हो रही है इमेजेस, सर्कुलर लूप में. सो अगर हम चाहते हैं कि इमेजेस हमारी एक इन्फाइनाइट लूप में घूमे, सो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है सर्कल लूप, जिसे कि हम ट्रू पास कर देंगे. इससे हमारी जो इमेजेस हैं वो एक सर्क्युलर फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही लास्ट इमेज आएगी उसके बाद फर्स्ट इमेज वापस से ऑटोमेटिकली आ जाएगी. एंड अगर हम यहाँ पे देखें सो ऐसा हुआ भी, हमारी इमेजेस जो है लास्ट इमेज के बाद वापस से फर्स्ट इमेज आ गई एंड एवरी 1 सेकेंड पे ये हमारी इमेजेस स्क्रोल कर रही है ऑटोमेटिकली. हमारे पास एक इसमें प्रॉप होता है ऑन करंट इमेज प्रेस्ड, ऑन करंट इमेज प्रेस्ड. जैसे ही हम करंट इमेज पे प्रेस करेंगे सो ये वाला हमारा प्रॉप कॉल हो जाएगा. हम इसमें एक अलर्ट डाल देते हैं और हम चाहते हैं जो हमारी करंट इमेज है उसका इंडेक्स हमारे को डिस्प्ले हो जाए. सो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस फंक्शन में इंडेक्स का पैरामीटर रिसीव करेंगे एंड उसे अलर्ट कर देंगे +1 करके. +1 क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी इमेज है उसकी एक्चुअल नंबर रिटर्न हो हमारे की, वो कौन से नंबर की इमेज है, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज. इसीलिए हमारे को इंडेक्स +1 करना पड़ेगा. देखते हैं, हमने इमेज पे क्लिक किया एंड हमारे पास इमेज का इंडेक्स यहाँ पे आ गया. हम दोबारा से इमेज पे क्लिक करेंगे सो उसका फिर से इंडेक्स आ जाएगा. अब हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेजेस स्टार्ट हो रही हैं वो फर्स्ट इमेज से ना स्टार्ट हो, कोई आगे की इमेज से स्टार्ट हो. सो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉप होता है फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम, जिसमें कि हम अपना जो भी हमारे को इंडेक्स की इमेज चाहिए उसका इंडेक्स पास कर देंगे. लेट से मैं चाहता हूँ कि फोर्थ इंडेक्स की इमेज से मेरा जो कराउजल है वो स्टार्ट हो. सो हम 4 पास करेंगे एंड इसे रीबिल्ड करेंगे. सो यहाँ पे जो मेरा कैराउजल स्टार्ट हुआ वो फोर्थ इंडेक्स की इमेज से स्टार्ट हुआ. फोर्थ इमेज की इंडेक्स जो थी वो मेरी 5th इमेज थी. सो यहाँ पे 5th इमेज से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑटो प्ले भी चल रहा है एंड एक ये सर्कुलर लूप में भी मेरी इमेजेस वर्क कर रही है. अब हम चाहते हैं ये जो डॉट्स हैं इनकी थोड़ी सी पैडिंग एडजस्ट करनी है. नीचे से काफ़ी ज़्यादा पैडिंग आ रही है इनमें. सो उसके लिए एक प्रॉप होता है पेजिनेशन बॉक्स वर्टिकल पैडिंग, पेजिनेशन, पेजिनेशन बॉक्स वर्टिकल पैडिंग. ये एक प्रॉप होता है जिसके अंदर की हम एक इंटीजर पास करते हैं कि कितनी पैडिंग हमारे को इमेजेस अपनी डॉट्स में चाहिए. हमने 20 किया सो जो ये मेरी डॉट्स हैं ये नीचे से 20 की पैडिंग लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी. सो ये हमारी इमेजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई. सो ये हमने एक रिएक्ट नेटिव में कराउजल बनाना सीखा है. इसकी बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन हम रिएक्ट नेटिव मूवीज में कर सकते हैं, एक मूवी एप्लीकेशन बना सकते हैं. मैं पहले ही उस पर एक बहुत अमेजिंग सा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि हमने पूरा मूवी ऐप बनाया था एंड ये इमेज कैराउजल का यूज़ भी किया था. अगर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है, अमेजिंग सा प्रोजेक्ट भी बनाना है सो जाइए वो रिएक्ट नेटिव मूवी ऐप की वीडियो देखिए. इसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.